अपने सर्वश्रेष्ठ कार्यों को कभी बलिदान का नाम नहीं देना। अगर कोई किसी मकसद के लिए लड़ता है तो वो इसलिए क्योंकि वो चीजों के वर्तमान ढर्रे से संतुष्ट नहीं है। ये बात कही थी एक पिता ने अपनी बेटी से। इत्तेफाक देखिए कि जब बारी आई, इस पिता ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया, और बलिदान भी ऐसा जिसकी भारत के पूरे इतिहास में दूसरी मिसाल नहीं है। हम बात कर रहे हैं कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला की, भारतीय नेवी के इकलौते अफसर जिन्होंने अपनी शिप को आखिरी समय तक नहीं छोड़ा और उसके साथ ही जल समाधि ले ली। नमस्कार, मेरा नाम निहारिका है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। आज आपको सुनाएंगे उस घटना की कहानी जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी सबमरीन ने युद्ध पोत को डुबाया। दुर्भाग्य से ये युद्ध पोत भारतीय था, नाम था INS खुकरी। ये सब हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। तारीख थी 9 दिसंबर 1971। युद्ध की शुरुआत से पहले इंडियन नेवी की पूरी वेस्टर्न फ्लीट मुंबई बंदरगाह पर खड़ी रहती थी। नौसेना को अंदाजा था कि एक बार युद्ध शुरू हुआ तो पाकिस्तानी पनडुब्बियां मुंबई को निशाना बनाने की कोशिश करेंगी, इसलिए 2 और 3 दिसंबर के बीच फ्लीट को मुंबई से बाहर निकाला गया। हालांकि तब उन्हें अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान की एक पनडुब्बी PNS हंगोर ठीक उनके नीचे मौजूद थी। इस सबमरीन को तब शार्क कहकर भी बुलाते थे क्योंकि ये उन्नत तकनीक वाली सबमरीन थी जिसे पाकिस्तान ने फ्रांस से खरीदा था। हंगोर के पास अच्छा मौका था भारतीय शिप्स को निशाना बनाने का, लेकिन उस समय तक युद्ध का ऐलान नहीं हुआ था, इसलिए हंगोर बिना हमला किए वहां से चली गई। 5 दिसंबर के रोज हंगोर को एक तकनीकी दिक्कत के लिए सतह पर आना पड़ा। उसने एक कम्युनिकेशन सिग्नल भेजा जिसे भारतीय नेवी ने इंटरसेप्ट कर लिया। इससे भारतीय नेवी को हंगोर की लोकेशन का पता चल गया। वो दीव के तट के पास समंदर के इलाके में थी। ये पता चलते ही नौसेना कमांड ने उसे नष्ट करने के लिए एक मिशन रवाना करने का आदेश दिया। 8 दिसंबर के रोज 14th स्क्वाड्रन की 2 एंटी सबमरीन फ्रिगेट्स दीव के लिए रवाना हुई। 14th स्क्वाड्रन को लीड कर रहे थे कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला। उनके साथ 2 फ्रिगेट थी, INS खुकरी और INS कृपाण। 9 दिसंबर की सुबह दोनों फ्रिगेट उस इलाके में पहुंची जहां से पनडुब्बी का सिग्नल मिला था। हालांकि बहुत देर तक इलाके का मुआयना करने के बाद भी उन्हें पाकिस्तानी पनडुब्बी का कोई निशान नहीं दिखा। कृपाण और खुकरी में लगे सोनार की रेंज लगभग 2.5 किलोमीटर थी, जबकि PNS हंगोर कहीं लंबी दूरी से शिप्स का पता लगा सकती थी। कैप्टन मुल्ला को खतरे का अंदाजा था, इसलिए वो जिग जैग अंदाज में फ्रिगेट्स को दौड़ा रहे थे। इस बीच पाकिस्तानी पनडुब्बी को कृपाण और खुकरी का पता लग गया। उसने दोनों के नजदीक आने का इंतजार किया और टॉर्पीडो चला दिया। पहला निशाना कृपाण पर लगाया गया, लेकिन किस्मत से टॉर्पीडो फटा ही नहीं। इस हमले से हंगोर की लोकेशन पता लग गई, लेकिन इससे पहले कि भारतीय दल कोई जवाबी कार्रवाई करता, हंगोर ने एक और टॉर्पीडो चला दिया। इस बार टॉर्पीडो सीधा जाकर खुकरी से टकराया। घड़ी में वक्त हो रहा था रात 8:45। एक पुरानी परंपरा थी जिसके अनुसार इस वक्त सब लोग मिलकर रेडियो पर समाचार सुनते थे, और चूंकि युद्ध चल रहा था इसलिए सभी रेडियो को ध्यान से सुन रहे थे। ये ध्यान टूटा एक जोरदार धमाके से। रेडियो से आवाज आई, यह आकाशवाणी है। बात पूरी होती उससे पहले ही कैप्टन मुल्ला अपनी कुर्सी से नीचे गिर पड़े थे। उनका सर एक लोहे के हैंडल से लगा था और खून निकलने लगा था। उन्होंने तुरंत संभलते हुए अपने जूनियर्स को ऑर्डर दिया ताकि वो नुकसान का पता लगा सके। दुर्भाग्य से नुकसान काफी ज्यादा हुआ था। PNS हंगोर का निशाना एकदम ठीक जगह लगा था। INS खुकरी में छेद हो चुका था और पानी अंदर आ रहा था। जाहिर था कि शिप डूबने जा रहा था। आनन फानन में कैप्टन मुल्ला ने पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख को संदेश भेजने की कोशिश की, लेकिन अब तक पानी उनके घुटनों तक पहुंच चुका था। एक फ्रिगेट में सबसे ऊंचा माला या जिसे ब्रिज कहते हैं समंदर से काफी ऊपर होता है, लेकिन खुकरी को इस कदर नुकसान पहुंचा था कि मिनटों में ही उसका ब्रिज समंदर की सतह के बराबर पहुंच गया। शिप में लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। कई लोग पानी में छिटक चुके थे और कई नीचे कूद रहे थे। इस दौरान कैप्टन मुल्ला ने अपने साथियों को बचाने की भरपूर कोशिश की,
आमतौर पर माना जाता है कि शिप का कैप्टन शिप को छोड़ नहीं सकता, ऐसा नियम है। लेकिन असल में ये नियम नहीं, एक अनकही परंपरा रही है जिसे खास तौर से प्रचलन मिला जब टाइटैनिक के कैप्टन ने जहाज छोड़ने से इनकार कर दिया था। दुनिया भर की नेवीज में इस परंपरा का पालन किया जाता है। कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला के पास भी मौका था कि वो अपनी जान बचाने के लिए शिप छोड़ देते, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। मुल्ला ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिप से उतारा और आखिर में ब्रिज के ऊपर चढ़कर एक हैंडल को पकड़कर खड़े हो गए। उनके पास एक लाइफ जैकेट थी, वो भी उन्होंने किसी और आदमी को दे दी। INS खुकरी 9 दिसंबर 1971 की तारीख को 8:50 पर दीव से 64 किलोमीटर दूर समंदर में पूरी तरह डूब गया। इस घटना में भारत के 174 नाविक और 18 अधिकारी वीर गति को प्राप्त हुए थे। जो 67 लोग बचे थे उन्हें 14 घंटे बाद बचाया गया। उनमें से कुछ ने बताया आखिरी वक्त में कैप्टन मुल्ला के हाथ में जली हुई सिगरेट थी जिसे साथ लेकर वो शिप के साथ ही पानी के अंदर चले गए। एक दूसरे नाविक ने बताया जहाज के ब्रिज पर लगी कप्तान की कुर्सी पर वो शांत बैठे थे बिना हड़बड़ी और घबराहट के। जब तक जहाज दिखता रहा हम उनकी ओर देखते रहे। कैप्टन मुल्ला की बेटी अमिता इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में लिखती हैं, हमें जब खबर दी गई कि INS खुकरी डूब गया उस समय किसी को साफ साफ पता नहीं था कि हमारे पिता के साथ क्या हुआ। मेरी बहन तब 11 साल की थी। ये खबर सुनकर भी वो शांत बनी रही। अगले कई दिन तक वो हर सुबह जल्दी उठती और हमारे पिता की पुरानी यूनिफॉर्म निकालकर बिस्तर पर बिछा देती। इसके बाद पिता को जो मेडल मिले थे वो उन्हें यूनिफॉर्म में लगाती। हर बार जब दरवाजे या फोन की घंटी बजती वो पूरी उम्मीद के साथ जवाब देती, मानो दूसरे एंड पर हमारे पिता ही हो। अमिता उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखती हैं, उन्होंने शिप के साथ डूब जाना इसलिए नहीं चुना क्योंकि ऐसा करना सही था, ना ही इसलिए क्योंकि उनसे इस बात की अपेक्षा की जाती थी। जितना मैं उन्हें जानती थी उनके पास चुनाव का कोई ऑप्शन नहीं था, वो सिर्फ यही कर सकते थे। कैप्टन मुल्ला आजादी के बाद जहाज सहित जल समाधि लेने वाले एकमात्र अफसर थे। नौसेना की सर्वोच्च परंपरा का निर्वाह करते हुए उन्होंने अपना जहाज नहीं छोड़ा। उनकी इस वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया। जहां तक पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS हंगोर की बात है, भारतीय नौसेना ने कई दिन तक उसकी तलाश की लेकिन बचते बचाते ये पनडुब्बी 16 दिसंबर को सुरक्षित कराची पहुंच गई। इसके कमांडर तस्नीम अहमद को पाकिस्तान की तरफ से सितारा ए जुर्रत से सम्मानित किया गया और 2006 में हंगोर को डीकमीशन कर पाकिस्तान के एक म्यूजियम में रख दिया गया। इसी के साथ आज के इस एपिसोड को यही समाप्त करते हैं। आपके लिए एपिसोड लिखा हमारे साथी कमल ने। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी लंडन टॉप। शुक्रिया।